यू uh, नो you know, काफ़ी टाइम हिंदुज़म की क्रिटिसिज्म होती है कि हिंदुआज़म इज मोनो इट्स नॉट मोनोथीस्टिक इट्स पॉलीथीस्टिक कि हम बहुत सारे देवताओं की पूजा उपासना करते हैं जो मॉडर्न रिलिजन्स हैं रिलेटिवली मॉडर्न जो नए रिलिजन्स हैं वेस्टर्न रिलिजन्स उनका कॉन्सेप्ट है एक ही भगवान है मोनोथीस्टिक आप भगवान की कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी और से कामदेव अपना तीर छोड़ते हैं शिवजी के ऊपर और शिवजी गुस्से में उसको देख के भस्म कर देते हैं अपनी तीसरी आंख उनकी खुलती है और कामदेव भस्म हो जाते हैं सो so, जो कामदेव की जो एशेज है उसको फॉर्म देके भंडासोर भंडासुर बनाया गया था तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में आज हमारे साथ है डॉक्टर विनीत अग्रवाल आज हम बात करेंगे बहुत ही यूनिक टॉपिक्स पे क्योंकि आपको हमारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमारा फर्ज बनता है आपके लिए बढ़िया से बढ़िया पॉडकास्ट लेके आते रहे आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है पर्सनली क्योंकि हमें बहुत कम नॉलेज है उस बारे में और सर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है सर के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ सर प्रोफेशनली एक फार्मा कंपनी के साथ काम करते हैं बट इनका शौक है रिसर्च करना अपने वेदों को स्क्रिप्चर्स को पढ़ना हिस्ट्री को पढ़ना और इन्होंने बुक्स भी लिखी है काफ़ी ज़्यादा और ये बहुत ही चुनिंदा और सेलेक्टिव कैरेक्टर्स को उठाते हैं हमारी हिस्ट्री में से और उन पर रिसर्च करते हैं उनके बारे में बताते हैं लोगों को तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सप्त महात्रे है न सप्त महात्रे का yes. तो सेवन वॉरियर गॉडेज जो गॉडेस वैसे हम देवियों को हमारी देवियों को देखते हैं तो वो बहुत शांत और आशीर्वाद देने वाली होती हैं लेकिन कुछ गॉडेस ऐसी भी होती हैं जो वॉरियर रूप में होती हैं तो आज सर उनके बारे में बताएंगे सर सबसे पहले तो वेलकम थैंक यू सो मच शुभम थैंक यू थैंक यू और सर कैसे हो आप ये बताओ मैं बिल्कुल बढ़िया है मुंबई की गर्मी में <laughs> सर आते हुए ट्रैफिक तो नहीं मिला आपको क्योंकि मोस्टली जब आप रोड पे होते हो यू अवॉइड ट्रैफिक इन मुंबई एनी टाइम ऑफ द डे तो सर पहले तो जब हम बॉम्बे आने का प्लान बना तो अब मेरे माइंड में आया कि सर आपके साथ तो एक एपिसोड करना है क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे वो डेली मुंबई का चक्कर पड़ रहा था तो हो नहीं पा रहा था ये शूट बट फाइनली आज हम है यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि आज ऑडियंस बहुत अच्छा कुछ जानेगी सर शुरू करते, करते हैं बिल्कुल तो सर बताओ कुछ हमें वॉरियर गॉडेस के बारे में हमारी सो शुभम आई थिंक जैसा आपने कहा यू you नो know, सबसे पहले हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है देवियों के बारे में एक्सेप्ट वो दुर्गा माता जिनको हम देखते हैं वेपन्स वगैरह के साथ मोस्टली जो गॉडेसेस हैं हम देखते हैं हमेशा शांत होती हैं सरस्वती जी हैं वो वीणा लेके बैठी होती हैं लक्ष्मी जी कमल पकड़ के बैठी होती हैं मतलब दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग सम क्वालिटी जैसे वो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है लक्ष्मी जी राइट सो धन की देवी है सो so, उनको एक अलग तरह से दिखाया जाता है उनके पास कलश है जिसमें सोने की मोहरें भरी हुई हैं सरस्वती जी के पास वीणा है पुस्तकें हैं वो आर्ट्स और लिटरेचर दर्शाती हैं पर हिंदुज़्म इतना वास्ट है जो बहुत लोगों को पता नहीं है हमारी इतनी डिटेल्स हैं देवताओं की देवियों की जो बहुत लोगों को नहीं पता होती क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत सुपरफिशियल है जो हमें कहानियाँ बताई जाती हैं जनरली देखिए अगर किसी को भी आप पूछेंगे कि आपको क्या पता है हिंदुज़म के बारे में आई थिंक मोस्टली लोगों को रामायण पता होती है महाभारत पता होती है और वो भी जो उन्होंने सीरियल में देखा होता है राइट खुद से तो हम पढ़ते नहीं हैं या आपने कोई अगर कॉमिक्स कभी पढ़ी है यू you नो know, अमर चित्र कथाज़ यूज़ टू तो बी वेरी पॉपुलर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनमें स्टोरीज़ हैं आपने कभी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो तो समझ में आता है थोड़ा बहुत शिव जी के बारे में पता होता है पार्वती जी शिव जी सो so, uh, बहुत ही हमारी एक बहुत बेसिक सुपरफिशियल लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है सो so, देवी जो है ना देवी इज़ अ वेरी डीप प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट गॉडेस सबसे पहले तो देवी क्यों 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 हम देवी की पूजा करते हैं देवी की उपासना करते हैं सिर्फ भगवान की क्यों नहीं अब देखें वेस्टर्न रिलिजन्स में इट्स ऑलवेज अ मेल गॉड राइट पर जब हम हिंदुज़म में या बुद्धिज़्म में या जैनिज्म में भी गॉडेसिस हैं बौद्धिज्म में भी है बिल्कुल बिल्कुल गॉडेस हैं सो जो मतलब उनका रोल अलग अलग है पर जिस तरह हिंदुज़्म में एक मेल और फीमेल कम टुगेदर टू क्रिएट अ होल जो जैसे चाइनीज फिलॉसफी में उसे यांग कहते हैं सो so, हिंदुज्म में शिव और शक्ति उनका साथ में आना अनिवार्य है इस पूरी क्रिएशन के लिए इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए सो so, देवी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और क्योंकि देवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और देवी रिप्रेजेंट करती है एनर्जी को शक्ति को सो क्लियरली नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन मूव विदाउट एनर्जी राइट वो तो फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है क्या आप में एनर्जी है मतलब आप जिम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप में एनर्जी नहीं है तो आप कैसे एक्सरसाइज करोगे राइट right? सो so, एनर्जी के बिना कुछ चलता नहीं है तो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो हमारे रेशियो ने हमारे जो आ, पुराने एनशियंट ज्ञानी लोग थे उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्होंने उनकी स्टोरीज़ को लिखा उनके जो एक्ट्स uh, हैं जो उनके यू नो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्टिविटीज़ थी बहुत ही ब्यूटीफुल uh, स्टोरीज़ हैं उनके बारे में सो so, उसमें से कुछ गॉडेसिस के uh, जो स्टोरीज़ हैं जो कहानियाँ हैं उनकी दे आर मोर टूवर्ड्स वॉरफेयर सो so, लक्ष्मी जी की या सरस्वती की स्टोरी में जनरली वॉरफेयर नहीं आपको मिलेगा दुर्गा माता ऑफ कोर्स हम सबको पता है दुर्गा पूजा होती है दुर्गा पूजा पंडाल में ही उनको दिखाया जाता है महिषासुर को मारते हुए राइट right? बट उनके अलावा और एक माँ काली माँ मा काली राइट सो माँ काली को चामुंडा भी कहते हैं बिकॉज उन्होंने चंड और मुंड दो राक्षसों का वध किया था सो so, काली माँ और दुर्गा माँ इन दोनों को छोड़ के जनरली हम नहीं जानते गॉडेसिस के बारे में जो लड़ाई करती हो या वॉरफेयर करती हो बट देवी के ही अलग अलग रूप है अब जिनको हम बोलते हैं मातृकाएं सो मातृका एक कल्ट था पुराने जमाने में जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं इंक्लूडेड विच पोर्ट्रे द गॉडेस एज द मेन एनर्जी बिहाइंड गॉड्स बिहाइंड बिहाइंड सो जो उनकी इनहेरेंट पावर है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट शक्ति सो so, अगर हम दुर्गा माता की भी बात करते हैं राइट right? तो आपको अगर पता हो उनकी ओरिजिन की स्टोरी कैसे है दुर्गा माता की सो देर वॉज दिस डीमन कॉल्ड महिषासुर राक्षस था एक महिषासुर और उसको एक वरदान मिला था कि उसको किसी भी स्पीसीज का कोई भी मेल नहीं मार सकता है राइट right? सो so, अब उसका वध करने के लिए गॉडेस को ही आना था पर एक इतनी पावरफुल गॉडेस जो महिषासुर को हरा सके उस लेवल की एनर्जी लाने के लिए सारे देवता जो थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी एनर्जीज कंबाइन की सो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि वरुण वायु सब जितने देवता थे उन सब के मस्तिष्क से जो एनर्जी निकली एक पावर बीम बोलो इट गॉट टुगेदर एंड दैट वाज दुर्गा माँ तो इसलिए उनके पास सबके वेपन्स हैं सब देवी सब देवताओं के वेपन्स हैं है उनके पास एंड शी वाज द वन किल्ड महिषासुर सो so, ये एक कॉन्सेप्ट वहाँ मिलता है कि जो देवताओं के अंदर पावर है एनर्जी है दैट इज़ दी गॉडेस सो मातृकाएँ जो है उसी तरह से ये अलग अलग भगवान जो है हमारे अलग अलग देवता है उनके अंदर की जो पावर है वो दर्शाती हैं सो so, जैसे विष्णु और लक्ष्मी है या ब्रह्मा और सरस्वती है सो so, अगर आप देखेंगे उनकी जो क्वालिटीज़ है ना दे कॉम्प्लीमेंट्री सो so, विष्णु जी किस चीज़ के देवता है वो प्रिजर्वेशन के देवता है अगर प्रिजर्वेशन होगी तो ही फॉर्च्यून मिलेगा राइट yeah, yeah. right? तो लक्ष्मी एंड विष्णु आर कॉम्प्लीमेंटरी टू इच अदर ब्रह्मा एंड सरस्वती सिमिलरली ब्रह्मा जी रिप्रेजेंट्स इंटेलेक्ट नॉलेज एंड सरस्वती रिफ्ल या रिफ्लेक्ट क्रिएटिविटी सो so, बोथ आर अगेन कॉम्प्लीमेंट्री शिव एंड पार्वती शिव जी जो है वो एसेटिक हैं साधु हैं और वो वैराग्य वाले हैं और पार्वती जो है उनको फर्टिलिटी की गॉडेस माना जाता है so, सो कैसे आपको एक बैलेंस बना के रखना है बिटवीन स्पिरिचुअल लाइफ एंड योर डोमेस्टिक ड्यूटीज सो वो दर्शाते हैं सर यहाँ पे जिन हम गॉडेसेस की बात कर रहे हैं वो uh, किस किस की एनर्जी है ये भी आप बताओ थोड़ा सो so, uh, मैं वही समझा रहा था कि जैसे ये जो है ये फॉर्म्स जो ये कॉम्प्लीमेंट्री है पर अगर शिव जी के अंदर की जो आप पावर की बात कर रहे हैं तो वो शिवजी जैसी ही दिखने वाली है तो शिव जी के अंदर की जो शक्ति है उनको कहते हैं महेश्वरी जो विष्णु जी के अंदर की शक्ति है उनको कहते हैं वैष्णवी जो ब्रह्मा जी के अंदर की शक्ति है पावर है एनर्जी है उनको कहते हैं ब्रह्माणी अच्छा सो so, जो सप्त मातृकाएँ हैं वो मेन गॉड्स जो हैं और स्पेशली जो जिनका दायित्व है इस क्रिएशन को चलाना इसकी प्रोटेक्शन करना तो उनकी एनर्जीज़ हैं सर ऐसा कह सकते हैं कि शिव जी क्रिएटर है उन देवी के ऐसा कह सकते हैं अलग अलग स्टोरीज़ है सो so, मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में यू you नो know, ये चीज़ क्लियर की है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन uh, होता है कि अलग अलग पुराणों में सेम स्टोरी को अलग अलग तरीके से क्यों बताया जाता है एंड विच इज़ ए वेरी वैलिड क्वेश्चन राइट अगर आप शिवपुराण में देखेंगे तो शिव जी को सुप्रीम बताया गया अगर आप देवी भागवत या देवी पुराण में देखेंगे तो शक्ति सुप्रीम और वैष्णव पुराण जो है विष्णु पुराण विष्णु पुराण में विष्णु जी सुप्रीम है भागवत पुराण में कृष्ण जी सुप्रीम है सो so, uh, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्यों और सुप्रीम <laughs> है कौन हाँ राइट सो दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन बट उसका आंसर बहुत सिंपल है कि ऑल ऑफ दम आर सुप्रीम At डिफरेंट टाइम्स सो जो हमारे वेदों में जो कॉन्सेप्ट है ना दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट और उसको उसको बोलते हैं हीनोथीजम जिसका मतलब है कि जब वो ऋषि किसी एक देवता के बारे में प्रेयर कर रहे हैं या उनके बारे में मेडिटेट कर रहे हैं तो उनके लिए वही सुप्रीम है तो इंद्र को सुप्रीम बताया गया है वे, कितने वेदिक वर्सेज में विष्णु जी के लिए वर्सेज हैं रुद्र के लिए वर्सेज हैं हिरण्य गर्भ के लिए वर्सेज हैं अग्नि सोम वरुण वायु इन सबको सुप्रीम बताया गया है देवी को सुप्रीम बताया गया है क्योंकि उस साधक के लिए उस डिवोटी के लिए ये ही फॉर्म सुप्रीम है जिन्होंने ये वेद लिखे हैं जिन्होंने जिन्होंने वो मंत्र देखे जिन्होंने या जो अगर हम आज अगर हम शिव जी की उपासना कर रहे हैं आप काशी विश्वनाथ जाएंगे अगर आप शिव जी को माथा टेक रहे हैं आपके लिए वो सुप्रीम होने चाहिए आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सुप्रीम है या नहीं है इस टाइम मेरे लिए ये फॉर्म सुप्रीम है क्योंकि ये सारे एक ही सुप्रीम बींग के फॉर्म्स हैं सो so, वो एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और पुराणों में अलग अलग टाइम की स्टोरीज बताई जाती हैं सो so, ब्रह्मा जी के एक दिन में इस तरह इंसिडेंट्स हुए वो वो जो इंसिडेंट्स थे वो सारे शिव पुराण में कैप्चर कर लिए गए एक और दिन में जो उनके इंसिडेंट्स हुए वो देवी भागवत पुराण में कैप्चर किए किसी और दिन में जो इंसिडेंट्स हुए वो विष्णु पुराण में कैप्चर किए सो so, उस दिन पे इस देवता की या देवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी चीज़ें मेंटेन करना तो वो उस दिन के लिए सुप्रीम थे उस कल्प के लिए इसीलिए उस पुराण में उनको सुप्रीम बताया जाता है बट कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है <laughs> देवी देवताओं के बीच सर देखा जाए तो एनर्जी तो एक ही है कंपटीशन सर ये लोग लो कर देते थोड़ा ना ऑडियंस कर देती है ऑडियंस कर देती और, है और एक्चुअली क्योंकि इग्नोरेंस है यू नो ये नॉलेज हमें नहीं बताई जाती ये बहुत ही बेसिक चीज है और ये शिवपुराण में भी बताई गई है कि अलग अलग कल्पों में ब्रह्मा विष्णु और शिव एक दूसरे से प्रकट होते हैं अलग अलग और जिस कल्प में शिव जी आ, सबसे पहले आए उस कल्प की कहानियों में शिव जी को सुप्रीम बताया गया है सेम फॉर विष्णु जी या देवी या अलग अलग जो फॉर्म्स हैं सो जो कॉन्सेप्ट है बेसिक हमें तो ये समझना है कि सारे अलग अलग फॉर्म्स एक ही भगवान के हैं एक ही यू नो काफ़ी टाइम हिंदुज़म की क्रिटिसिज्म होती है कि इज़ मोनो इट्स नॉट मोनोथीस्टिक इट्स पॉलीथीस्टिक कि हम बहुत सारे देवताओं की पूजा उपासना करते हैं और एंशियंट जितनी सिविलाइजेशन थी वो सारी पोलीथीस्टिक थी आप अगर देखेंगे ग्रीक गॉड्स रोमन गॉड्स रोमन गॉड्स तो एनी वेज देवर डिराइव फ्रॉम ग्रीक गॉड्स बट इजिप्शियन गॉड्स सो मैसोपटेमिया जितनी पुरानी सिविलाइजेशन थी देवर ऑल पोलीथीस्टिक राइट देवर नॉट मोनोथीस्टिक क्योंकि वो अलग अलग एनर्जीज अलग अलग डिविनिटीज uh, को रिकगनाइज करते थे hmm. जो मॉडर्न रिलीजन् रिलेटिवली मॉडर्न जो नए हैं वेस्टर्न रिलिजन्स उनका कॉन्सेप्ट है एक ही भगवान है मोनोथीस्ट आप भगवान की कंपेरिजन नहीं कर सकते किसी और से राइट right? और एक बहुत गलत एक अंडरस्टैंडिंग उनके दिमाग में डाली जाती है कि हिंदुजम में मल्टीपल गॉड्स हैं और हमें भी यही बताया जाता है कि मल्टीपल गॉड्स हैं बट दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट इज प्रॉब्लली द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट हिंदुइज्म हमारे वेदों में उपनिषदों में एक ही भगवान का जिक्र किया जाता है कि एक ही है परमात्मा और उन्हीं की मैनिफेस्टेशन है, अलग अलग फॉर्म्स अन इसको देखिए समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल चीज़ है आप अगर घर पे हो यू you नो know, और इफ यू सी इन योर फैमिली आपके फादर आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे घर में अपने ऑफिस में वो कैसे बिहेव करेंगे या अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक के लिए गए हैं तो वो कैसे बिहेव करेंगे या आपकी मम्मी है वो घर में किचन में अगर है तो वो क्या काम कर रहे हैं अगर वो इफ शी इज़ अ वर्किंग लेडी वो ऑफिस में क्या काम करती हैं अपने uh, सगे संबंधियों को वो कैसे ट्रीट करती है इफ शी इज होस्टिंग अ पार्टी शी इज़ दी परफेक्ट होस्टेस राइट उनके काम भी अलग अलग हैं उनके रूप बदल गए हैं राइट उनका पहनावा बदल गया उनके बातचीत करने का तरीका बदल गया और सेम कॉन्सेप्ट है कि भगवान को जब प्रिजर्वेशन करनी है तो वो विष्णु रूप लेते हैं जब उनको डिस्ट्रक्शन करना है तो वो रुद्र रूप लेते हैं जब उनको क्रिएशन करनी है तो वो ब्रह्मा जी का रूप लेते हैं सो so, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग अनफॉर्चुनेटली दिस इज मिसिंग यू नो फ्रॉम एंड नॉट जस्ट नॉन हिंदूज इवन इन दिस दिस इज मिसिंग यू नो दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही कह रहे हो सर सो कमिंग बैक टू दो देवीज इसीलिए यही से हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी कि जो देवी के अलग अलग फॉर्म्स हैं वो भी हमें वही समझने के ये एक ही देवी के फॉर्म्स हैं और एक बहुत ब्यूटीफुल uh, स्टोरी है महिषासुर के बाद और भी बहुत सारे ऐसे रॉक्षस राक्षस थे राइट सो so, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है आ, असुरों का वो ये होता है कि दे ऑलवेज फाइंड अ वे टू गेट अ बून जो उन्हें इमोर्टल बना दे राइट तो उनका हमेशा अगर आपने कोई भी कहानी सुनी हो उनका यही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हमें हाँ हमें वरदान चाहिए कोई नहीं मार सकता हाँ हमें कोई नहीं मार सकता पर हमेशा उनको यही बताया जाता है कि मृत्यु तो सबकी आनी ही है यू कैन ओनली प्रोलोंग इट यू कैन प्रोलॉन्ग योर लाइफ यू कैन डिले योर डेथ पर अमर कोई नहीं हो सकता है right? राइट सो so, uh, जो ये राक्षस होते हैं जनरली ऐसे ऐसे वरदान मांगते हैं जो पूरा करना मुश्किल हो जाता है जैसे महिषासुर का था कि उसने उसको लगता था कि फीमेल्स आर इन्फीरियर राइट right? तो मेल कोई भी मुझे टक्कर नहीं दे सकता दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी फीमेल्स को तो मैं आराम से निपटा लूंगा राइट right? तो विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ही मेड तो उसी तरह राक्षस ने शुंभ और निशुंभ देवर ब्रदर्स और शुंभ और निशुंभ ने वरदान जो लिया था बहुत ही सोच समझ के उन्होंने प्रॉब्ली महिषासुर से इंस्परेशन लेके उन्होंने एक वरदान मांगा था एंड आई थिंक शिवजी से ही वरदान मांगा था वो कि शिवजी की ही जो एनर्जी है उसी के थ्रू उनकी डेथ होनी चाहिए शुंभ और निशुम्भ की बट इट कै इट इट इज़ नॉट पार्वती राइट right? सो so, शिव जी की जो एनर्जी है एंड इट इट शुड बी एन एनर्जी इट शुड बी अ गॉडेस एक देवी जो शिव जी के ही फॉर्म से निकले एंड शी इज नॉट बॉर्न टू एल्स मतलब वो अयोनिज होनी चाहिए अयोनिजा बोलते हैं विदाउट अ नॉर्मल बर्थ राइट सो नॉर्मल डिलीवरी से वो पैदा नहीं होनी चाहिए सो so, मतलब इट इज नॉट बॉर्न टू समबडी इट इज अ गॉडेस इट इज अ क्रिएटेड तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अकल लगा के उन्होंने ऐसा सोचा कि यार ऐसा कुछ डिफिकल्ट सा मांगेंगे तो अयोनिजा होनी चाहिए शिवजी की ही एनर्जी होनी चाहिए शिवजी के फॉर्म में से ही निकली होनी चाहिए और वो इतनी सुंदर होनी चाहिए कि उनको देखते ही ये दोनों राक्षस उनके प्यार में पड़ जाए और वो ही और वो ही उन्हें मारें मारेंगी हाँ टिपिकली वही होगा ऑब्वियसली क्योंकि एक तरह से तो उन्होंने वरदान मांग लिया ना कि हमारी मृत्यु इसके हाथों हो राइट right. उन्होंने अपनी तरफ से चालाकी की कि हमें कोई नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल नहीं मार सके क्योंकि उन्होंने देखा महिषासुर ने वरदान मांगा था कि फीमेल कोई मेल्स कोई मुझे नहीं मार सके तो देवताओं ने एक देवी क्रिएट कर दी उसको मारने के लिए तो अब उन्होंने एक वरदान ऐसा मांगा कि मेल और फीमेल दोनों मुझे नहीं मार सके लेकिन वो वरदान उन्हें मिलेगा नहीं सो दे हैव टू फाइंड अ लूप होल तो उन्होंने कहा कि फीमेल ठीक है फीमेल हो पर ऐसी हो जो अयोनिजा हो जो शिव जी की ही एनर्जी से बनी हो और जो इतनी सुंदर हो कि उसे देखते ही कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए वैसे सो so, टेक्निकली उन्होंने अपनी तरफ से एक डिफिकल्ट वरदान मांगा था बट जब उनका टाइम हो गया पूरा जब उनकी uh, मतलब उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया और देवताओं को बेसिकली uh, उनसे दे हैड टू गेट रिड ऑफ देम सो उस टाइम देवी से फिर रिक्वेस्ट की गई एंड अगर आपने शिव शक्ति वाला पॉडकास्ट देखा हो मेरा तो so उसमें मैंने बताया कि शिव जी और शक्ति की जो सती की या पार्वती की जो कहानियाँ हैं दे रिफ्लेक्ट योर डोमेस्टिक लाइफ इन वेरियस वेज मतलब एक नॉर्मल कपल में एक हस्बैंड वाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या झगड़े होते हैं क्या उनके इश्यूज़ आते हैं वो सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट होती हैं इनकी स्टोरीज़ में और उसमें यू you नो know, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अरे ये तो भगवान है ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं ये ऐसे क्यों लड़ रहे हैं बट दीज आर नॉट रियल स्टोरीज इन द सेंस दैट वो सच में लड़ नहीं रहे हैं यू you नो know, इनको बोलते हैं लीला भगवान की सो so उन्होंने एक लीला एनेक्ट की है फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड सो शिव जी और पार्वती जी की ऐसी बहस हो रही है एंड अगेन काफ़ी लोगों को शायद ये नहीं पता हो कि शिव जी का जो रंग है ना वो कर्पूर गौरम है वो वो ही इज़ वाइट इन कलर बेसिकली जैसे हम जनरली पेंटिंग्स में फोटोज में देखते हैं उनको डार्क दिखाते हैं डार्क ब्लू भी दिखाते हैं हाँ, ब्लू भी, भी दिखाते हैं पर्पल दिखाते हैं पर शिवजी का जो कलर वेदों में बताया जाता है उनको बोलते हैं नील लोहित नील इज ब्लू एंड लोहित इज रेड सो हिज बैक इज रेड बेसिकली ही इज रेड इन कलर यू नो एंड उनका जो कंठ है वो ब्लू है बिकॉज ऑफ द पॉइजन तो नील कंठ भी उनको बोलते हैं पर शिवजी के काफ़ी फॉर्म्स हैं जिसमें से एक फॉर्म में वो प्योर वाइट कलर के हैं और शक्ति जो है हम हमेशा शक्ति को पार्वती को फेयर देखते हैं पर शक्ति का जो ओरिजिनल कलर है सती का या पार्वती का दैट इज डार्क अच्छा ये ये नहीं पता था हाँ में। ये नहीं क्योंकि डिपिक्शन से कभी ऐसा दिखाते नहीं उल्टा होता है हमेशा राइट पर शिवजी का कलर इज़ वाइट एंड शक्ति का कलर इज डार्क तो शिवजी और पार्वती में बहुत ही यू नो ऐसे नोकझोंक चल रही है मस्ती वाली और शिव जी बोलते हैं कि तुम इतनी सुंदर लगते हो जैसे एक यू नो you know, <laughs> मतलब हम दोनों इकट्ठे ऐसे लगते हैं जैसे एक मॉनसून क्लाउड पे बिजली चमक गई हो विच इज सच अ ब्यूटिफुल पोइटिक एक्सप्रेशन राइट कि एक मॉनसून डार्क मॉनसून क्लाउड है और उसमें जब बिजली चमक रही है तो उन दोनों का जो संगम है वो है हम दोनों एंड ऐसे ऐसे वो दो तीन और चीज़ें बोलते हैं जैसे एक संदल के पेड़ पे आ, काला सर्प लिपटा हुआ हो वैसे तो अपनी तरह से बहुत पोइट्री करने की कोशिश कर रहे हैं सर लेकिन जैसे अभी आपने कहा शिवजी जैसे सबको पता है शिवजी एंड पार्वती जी की एग्जिस्टेंस रियल थी बट जो इनकी ये लीलाएं अगर ये लिखी गई हैं तो ये रियल क्यों नहीं मानी जा रही है नहीं रियल है मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उनकी लड़ाई रियल नहीं है वो ये अनैक्ट कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से रूठ गए मना रहे हैं सो दैट उससे एक हायर पर्पज सर्व हो तो अभी इसी कहानी में जब ये इनकी नोकझोंक चल रही है तो उसमें पार्वती जी नाराज हो जाती है वो कहती है कि तुमने इनडायरेक्टली मुझे कहा कि मैं डार्क हूँ अच्छा रंग पे बात आ गई सो एंड अगर आप पढ़ते हो जब वो पढ़ते हो ना आपको लगता है कि यार ये मतलब ये तो भगवान है ये तो देवी देवता है ये ऐसे ये नाराज क्यों हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं एंड दिस इज सच अ स्मॉल थिंग सच अ सुपरफिशियल थिंग बट क्लियरली दे वांट टू शो अस समथिंग और तो पार्वती जी कहती हैं कि अब मैं जा रही हूँ यहाँ से कैलाश छोड़ के और मैं तभी वापस आऊँगी जब मेरा रंग फेयर हो जाएगा हाँ। और वो जाती हैं तपस्या करने और शिवजी बहुत मनाने की उनको कोशिश करते हैं और नहीं मानती हैं अब ये पूरी स्टोरी के पीछे एक रीज़न है और वो है ये शुंभ और निशुम्भ का जो वरदान था उसको फुलफिल करना सो पार्वती की जो तपस्या है उस तपस्या वो ब्रह्मा जी को तपस्या करती हैं

उस हिसाब से उस रिश्ते से आप मेरे पुत्र हुए ब्रह्मा राइट क्योंकि फिर सब भगवान देवी के ही बनाए हुए हैं राइट क्रिएटेड है आप उस हिसाब से मेरे पुत्र हो अगर हम देखें कि रुद्र कैसे उत्पन्न हुए थे तो रुद्र ब्रह्मा जी के फोरहेड से निकले थे बेसिकली जो शिव जी का फॉर्म है सो so वो बोलते हैं अगर हम उस रिलेशनशिप को देखें तो आप मेरे ससुर हो और अगर हम जो अभी उनका बर्थ है सती का या पार्वती का तो उसमें जो उनके पिता है ही इज़ रिलेटेड टू ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष थे उनकी बेटी थी सती तो उस हिसाब से आप मेरे दादा भी हुए सो आई हैव टू फॉलो लोकाचार और मैं अपने बड़ों से कुछ मांग रही हूँ और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपको जो चाहिए आप बताओ और वो बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बी फेयर क्योंकि मेरे को शिवजी ने बोला कि मैं काली हूँ <laughs> तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा आई थिंक वो गंगा जल छिड़कते हैं कुछ ऐसा है स्टोरी में और पार्वती जी का जो आउटर शीत है वो सेपरेट होके एक अलग देवी बन जाती है एंड दैट अच्छा। देवी जो उनका आउटर डार्क स्किन है टिश्यूज जो है ना बेसिकली उनके टिश्यूज में से एक देवी निकलती है अलग जिनको हम बोलते हैं काली तो ऑल द डार्कनेस दैट वॉज देयर दैट सेपरेट्स and what is left is gauri, so kali and gauri again they are one individual in two different forms. अच्छा <laughs> so जो काली माता वो है फिर वो जाते हैं वो लड़ाई करने और वो शुम्भ वगैरह के साथ जो लड़ाई होती है और उनका दूसरा नाम आ, काली का है कौशिकी क्योंकि कौशिक इज बेसिकली टिशूज टिशूज से जो निकल निकली हैं उनका नाम है कौशिकी सो so, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है और बेसिकली uh, uh, जो अलग अलग वरदान मिले हुए हैं राक्षसों को उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए देवी ने अलग अलग फॉर्म्स लिए थे तो इनको सर मारा कैसे था uh, शुम्भ निशुम को वो तो लड़ाई में मरे थे क्योंकि इन्होंने सिर्फ यही वरदान मांगा था कि एक ऐसी 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 फीमेल हो अफकोर्स दस अ बिग बैटल जिसमें देवी uh, की पूरी आर्मी के साथ लड़ाई होती है उनकी शुम्भ निशुम्भ की और उसके अलावा जो मातृकाओं की हम बात कर रहे थे वो भी एक और राक्षस था ऐसा ही रक्तबीज सर उनके नाम आप एक बार बता दो मातृकाओं के सो जैसा मैंने कहा क्योंकि भगवान जो भी हैं देवता हैं उनकी एनर्जीज हैं तो ब्रह्मा विष्णु शिव सबसे पहले तो ब्रह्मा जी की जो एनर्जी है वो ब्रह्माणी विष्णु जी की वैष्णवी शिव जी की शिवानी या शिवानी नाम जो है वो इसी से आया है बेसिकली सो तो शिवानी या महेश्वरी या शंकरी इंद्र की जो है शक्ति जिनकी इंद्र की जो कॉन्सॉर्ट है जो उनकी पत्नी उनको वैसे बोलते हैं हम शची पर जब ये मातृका फॉर्म में हम बात करते हैं तो वो इंद्राणी है सो so, इंद्र की शक्ति है कार्तिके की शक्ति है कौमारी वराह जो अवतार था विष्णु जी का उनकी शक्ति है वाराही नरसिम्हा की शक्ति है नरसिम्ही सो so, ऐसे और चामुंडा

उनकी जो भी शक्तियाँ हैं वो सारी मातृकाओं फॉर्म्स में आएंगी। सो so, बहुत सारी मातृकाएं मैंशन हैं एक्चुअली पर जो मेन स्टोरी है जैसे रक्तबीज की स्टोरी है उसमें भी आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट टेन मातृकाएँ आती हैं उसमें लड़ाई करने जैसे यम की जो शक्ति हैं यमी और वरुण की शक्ति हैं वारुणी सो so, वो भी आती हैं लड़ाई करने पर जनरली पॉपुलर जो थीं वो सप्त मातृकाएँ थी अगर आप यू नो मुंबई के आसपास बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं अगर आप सिर्फ एलिफेंटा केव्स ही अगर आप विजिट कर पाओ तो एलिफेंटा केव्स में भी एक पूरा पैनल है मातृकाओं का जिसमें वो सात गॉडेसेस बनाई गई हैं साथ में बैठी हुई और इनफैक्ट ये सारे जो केव आर्ट जो था ये यू नो फोर्थ सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी ई का ये सब है और आ, एलोरा के जो केव्स हैं अजंता एलोरा केव्स के हैं साउथ में काफी टेम्पल्स में पूरे पूरे पैनल्स हैं खजुराहो में इनको सातों को एक साथ सातों को जाता एक है। साथ था, इसके जाता पीछे था। क्या स्टोरी आप बता रहे थे so, जो मेन स्टोरी है।, है रक्त बीज की वो अगेन जैसे मैंने कहा राक्षस कुछ ना कुछ वरदान लेते हैं तो ए, रक्त बीज ने वरदान लिया था कि वो एमॉटल अगेन एमॉटल उसको होना था पर अब सब लोगों ने अलग अलग पैतरे ट्राई कर लिए हैं तो अब दे यू हैव टू गिव देम दैट दे आर क्रिएटिव मतलब दे ऑलवेज कम अप समथिंग वेरी न्यू इस बार सो सो रक्त बीज ने बोला कि ठीक है अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे खून की बूंदों से एक और रक्तबीज पैदा होना चाहिए सो so बेसिकली उसका पर्पज क्या था कि आई एग्जिस्ट इन सम फॉर्म सो so, मैं खत्म नहीं होगा मेरी एक बॉडी खत्म होगी दूसरी बॉडी निकल यू नो पन अप जाएगी I mean, मैं बहुत टफ लग रहा है मुझे सो सॉर्ट ऑफ क्लोनिंग हो गई है राइट yeah. right? कि वो एक के बाद एक क्लोन बनते so. ही जाएंगे उसके वो खत्म ही नहीं होंगे और uh, जैसे ही आप रक्तबीज को मारोगे ऑब्वियसली जब आप मारोगे तो खून निकलेगा खून की बूंद जैसे ही धरती पर गिरेगी उसमें से और रक्तबीज पैदा हो जाएंगे सो ये जो इंटरेस्टिंग उन्होंने वरदान मांगा मिला उन्हें वरदान क्योंकि वो तपस्या बहुत कठिन करते हैं ये लोग और यू नो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे भगवान ये वरदान देते ही क्यों थे सही बात है कि ब्रह्मा ये, जी दे मेरे देते हाँ। देते ये देने की वरदान या शिवजी को क्या जरूरत है वरदान देने की लेकिन आ, जो क्रिएशन है ना इट इज़ अ वेरी सिम्बायोटिक एग्जिस्टेंस हमें ऐसा लगता है कि भगवान ऑल पावरफुल है पर उनकी ड्यूटीज भी हैं जैसे यू नो स्पाइडरमैन मैन बोलते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो so, अलग अलग देवी देवताओं के जो रूप है उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जैसे ब्रह्मा जी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएशन शिव जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है डिस्ट्रक्शन uh, तो सब अपना अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं तो अगर कोई इतनी कठिन तपस्या कर रहा है तो इनका uh, दायित्व बनता है जिसके लिए भी वो तपस्या कर रहा है कि वो आके वरदान मांग उसको देंगे जो भी वो वरदान मांगेगा बट ऑफकोर्स जैसे ब्रह्मा जी भी हैं वो कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं कि तुम्हें मैं अमर नहीं बना सकता हूँ राइट जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है सो so, इसीलिए ये राक्षस क्रिएटिव हो जाते हैं और ये कुछ ना कुछ यू नो you know, इंटरेस्टिंग वरदान मांगते हैं तो सर जैसे रक्त बीज है तो इनके लिए गॉर्डेस ही चाहिए थी इनको मारने नहीं, के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं था बट उसका उसका ये था बेसिकली उसको लगा कि अब मैं इमोटल हो गया हूँ राइट रक्त बीज उसी टाइम के आसपास था जब ये चंड मुंड शुम्भ निशुंब और ये सारे जो राक्षस थे महिषासुर वगैरह तो उस टाइम पे जो देवियों की पावर थी काफ़ी थी क्योंकि देवी आ, बहुत फॉर्म्स लेके देवी प्रकट हो चुकी थी ऑलरेडी इन सब राक्षसों को मारने के लिए सो so, रक्त बीज के साथ जो लड़ाई होती है एंड रक्त बीज इज़ यू नो एरगेंट उसको लगता है मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता तो मुझे आर्मी नहीं चाहिए मुझे कोई नहीं चाहिए एंड वो आ जाता लड़ाई करने है और रक्तबीज की जो लड़ाई हो रही है वो अंबिका के साथ काली के साथ लड़ाई हो रही है और द फर्स्ट टाइम ही गेट्स हिट और उसकी खून की बूंद नीचे गिरती है और सडनली और बीज उसमें से पैदा हो जाते हैं सो so, देवी को भी ये वरदान उनको ऑफकोर्स पता था सो बट शी नीड्स टू फिगर आउट कि इसको मैं कैसे न्यूट्रलाइज करूँ तो वो लड़ाई तो चल ही रही है लड़ाई में काली कभी बीज को मार रही है, कभी कुछ हो रहा है बट और नए 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 बीज पैदा होते जा रहे हैं सो so, देवी क्रिएट्स दीज सेवन मातृकाज जो मेन सप्त मातृकाएँ हैं तो ये सात जो शक्तियां हैं ये प्रकट होती हैं वहाँ पे ये आती हैं देवी की हेल्प करने के लिए क्योंकि इतने सारे अभी रक्तबीज हो गए हैं तो एक जैसे फॉर्म है ब्रह्माणी का सो so अब ब्रह्मा जी के पास हम कभी वेपन्स नहीं देखते राइट दे आर होल्डिंग द सेम थिंग्स जो मेल उनके काउंटर पार्ट्स हाथ में पकड़ते हैं तो ब्रह्मा जी के हाथ में क्या होता है कमंडल होता है माला होती है वेद होते हैं तो ब्रह्माणी के हाथ में भी कमंडल है अब वो जो कमंडल में पानी है दैट इज़ जैसे अगर आप कभी वैम्पायर मूवीज देखते हो तो उसमें वो होली वाटर है अच्छा। कि होली वाटर आपने स्प्रिंकल किया तो वो जल जाता है भस्म हो जाता है सो सिमिलर स्टोरी है इसमें भी कि ब्रह्माणी के पास जो कमंडल है उसे में वो छिड़क रही है इंद्राणी जो है वो वज्र से अटैक करें और ये सारी जो शक्तियां हैं ना दे आर बेसिकली राइडिंग द व्हीकल्स जो उनके मेल काउंटर पार्ट राइड करते हैं तो महेश्वरी इज राइडिंग द बुल इंद्राणी जो है वो एरावत के ऊपर आई है लड़ाई करने है। Uh, वैष्णवी का जो वाहन है वो गरुड़ है सो इमेजिन इट्स अल ब्यूटिफुल डिपिक्शन जिसमें ये सारी शक्तियाँ अलग अलग तरफ, से अलग अलग डायरेक्शन से आके वो राक्षसों पर अटैक कर रही हैं, उनको मार रही हैं और uh, मर तो रहे हैं राक्षस पर नए राक्षस पैदा होते जा रहे हैं तो अब क्या करें सो so, अंबिका जो है देवी वो बेसिकली शी कम्स अप विद दिस प्लान के काली बिकॉज शी इज दस्ट और काली माता को आप देखोगे उनके डिपिक्शंस में हमेशा उनके हाथ में एक पात्र होता है जिसमें ब्लड होता है राइट right? तो वो क्यों? काली इज नॉट अ वैम्पायर राइट बट काली जो गॉडेस हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक भी खून की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए जितनी मातृकाएँ और जितनी जो देवियाँ अटैक करेंगी इनको मारेंगी राक्षसों को उनकी एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए तो काली का जो डिपिक्शन उसमें दिया गया है ना वो बहुत ही ब्यूटिफुल है मतलब इन अ स्केरी सॉर्ट ऑफ वे जिसको यू नो हम बोलते हैं कि गौथिक या डार्क जिसको हम बोलते हैं वैसा है काली का डिपिक्शन एंड काली ओपनस ह माउथ एंड शी ड्रिंक्स अप ऑल दैट ब्लड दैट इज फॉलोइंग सो शी एन्श्योर्स दैट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड विल टच द ग्राउंड और मातृकाएँ जो हैं फिर वो अपना काम करती रहती हैं वो राक्षसों को मार रही हैं और काली माँ जो है वो खून की बूंद नीचे नहीं गिरने दे रही और इस तरह से अल्टीमेटली फिर रक्तबीज को जब लास्ट एक रक्तबीज बचता है तो उसको अंबिका और काली मिलके फिर उसको मार देते हैं सर एक मातृका आप बता रहे थे जिनको जिनका तंत्र से भी लिंक है राइट सो जनरली अगर आप तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र में उपासना होती है शिव जी की और काली माँ की So, भैरव जी की भी करते हैं कई लोग तो ये शिव जी कई फॉर्म्स हैं सो so, बेसिकली शिव जी और काली जी काली माता की उपासना होती है और शिव जी के मल्टीपल फॉर्म्स है जैसे वीरभद्र है भैरव हैं सो so, तंत्र में उनकी उपासना की जाती है काली माँ के कई फॉर्म्स हैं जो जैसे दश महाविद्या हैं तो ये जो फॉर्म्स हैं इनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता क्योंकि ये तंत्र से ही रिलेटेड हैं और Uh, काफ़ी हद तक इनकी ता, तांत्रिक वे से ही उपासना भी की जाती है वाम मार्ग बोलते हैं जिसमें uh, इनकी पूजा पद्धति uh, आती है so, um, सो मातृकाओं में भी एक देवी है जो है वाराही जो वराह जो है उनकी काउंटर पार्ट है या उनकी एनर्जी है बेसिकली सो so, वाराही देवी जो है शी इज वेरी पॉपुलर इन तंत्र और उनको माना जाता है वन ऑफ द थ्री मेन गॉडेसेस तंत्र तंत्र में सो so, दस महाविद्या एक अलग कैटेगरी है और जो तीन एक और एक और हरार है जिसमें सबसे ऊपर मानते हैं आदि पराशक्ति को द प्राइमीवल गॉडेस विच इज सिमिलर टू पार्वती बट नॉट पार्वती देखिए सती और पार्वती जो है ये देवी के रूप है पर जो ओरिजिनल फॉर्म है देवी का आदि शक्ति जो है वो सबसे ऊपर है और उनको बोला जाता है ललिता त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी शी इज़ दी मोस्ट ब्यूटिफुल इन द थ्री वर्ल्ड्स तीनों लोकों में सबसे सुंदर जो है वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और वो आदिशक्ति हैं वो सबसे ऊपर आती हैं और उनकी दो मिनिस्टर्स हैं और वो उनमें से एक है वाराही और दूसरी है मातंगी तो मातंगी है वो दश महाविद्या गॉडेसेस में से आती हैं और वाराही सप्त मातृकाओं में से आती हैं और इनका एक बहुत ही अमेजिंग बैटल है जो हम अब क्योंकि राक्षसों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो so एक राक्षस होगा जिसका शायद नाम बहुत कम लोगों ने सुना हो और उस राक्षस का नाम था भंडासुर भंडासुर और दिस यू you नो know, लोगों को लगता है कि यार रावण बहुत स्ट्रांग था या महिषासुर बहुत स्ट्रांग था या हिरण्य क्षिपू बहुत स्ट्रांग था या हिरण्याक्ष बहुत स्ट्रांग था क्योंकि वो तो पूरी धरती खींच के ले गया था समुद्र के नीचे भंडासुर इज दी प्रोबेबली दी स्ट्रांगेस्ट राक्षस एवर मैं स्क्रिप्चर्स वो इतना पावरफुल था और इतना वो ह्यूज था कि उससे सब डरते थे क्या कैपेबिलिटी थी इनमें उसने वरदान मांगा था क्या उसका जो वरदान ये था कि मेरी जिस जो भी मेरा है, जिसके साथ भी में लड़ाई हो रही है साथ लड़ाई कर रहा उसकी आधी ताकत आधी शक्ति तुम्हारे में है तो तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता बेसिकली राइट सो वो उसका वरदान था अब उससे लड़ाई करने के लिए देवी आती है uh, ललिता त्रिपुर सुंदरी जो हैं वो आती हैं बट वो बैटल जो है ना आई आई सीरियसली विश हमारे यू नो इंडियन टेलीविजन में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में समबडी up दी स्क्रिप्चर्स एंड एक्चुअली मेक समथिंग लाइक यू नो जैसे मावल स्टूडियोज़ का है क्योंकि उनकी सारी बनाई हुई स्टोरीज़ हैं यार मेड अप स्टोरीज़ हैं हमारे पास ये स्टोरीज एग्जिस्ट कर रही है आधे तो कैरेक्टर्स तो यहीं से इंस्पायर्ड है उनके बहुत सारे देखिए मावल में भी आ, जो थॉर है दैट इज कम फ्रॉम माइथोलॉजी राइट दैट इज नॉर्डिक माइथोलॉजी थॉर की जो मूवीज है रेग्नरोक है जो भी उसके कॉन्सेप्ट है वालहला का कॉन्सेप्ट है एस गार्ड का कॉन्सेप्ट है ये सारे नॉर्थ माइथोलॉजी के हैं दे आर एक्चुअली टेकन फ्राम मैथोलॉजी सो हमारे स्क्रिप्चर्स में जो इतनी सारी स्टोरीज है वो हम क्यों नहीं यूटिलाईज करता है सही बात। आप इमेजिन कीजिए अगर एक बैटल सीन है जिसमें यू you नो know, ये सप्त मातृकाए अटैक कर रही है राक्षस बीच में है

और मातंगी दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस फाइट और इनको मंत्रिणी और मुद्रिणी कहते हैं क्योंकि ये उनकी असिस्टेंट्स हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी की और यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ भंडासुर कि वो एंड में जब उसको लगता है कि यार ये तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है अब यू you नो know, बहुत बहुत लड़ाइयाँ होती हैं उसके जनरल्स आते हैं उसके अपने बेटे आते हैं लड़ाई में उसके नेफ्यूज ये वो सब आते हैं और एवरीबडी इज़ डिस्ट्रॉयड बाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गॉड एज एक इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें आ, एपिसोड है जिसमें आ, ये राक्षस अपने साथ एक सॉटसरस को लेके आते हैं एक जादूगरनी है एक मायावी जादूगरनी है जो जिसका नाम है सरपिनी और वो जादू करती है जिसमें चारों तरफ सांप फैल जाते हैं सो so, सांप है बड़े बड़े एंड यू नो दीज सर्पेंट्स दे आर अटैकिंग दी आर्मीज़ ऑफ

सो so, उनकी पूरी आर्मीज ही देवियों की ही है और ये जो सांप है ये अटैक कर रहे हैं इन आर्मीज पे सो so, उसको काउंटर करने के लिए एक देवी आती है जिसका नाम बताया जाता है नकुली ना नकुल बेसिकली नकुल सहदेव हमने सुना होगा आ, राइट बट उसका मतलब हमें नहीं पता होगा क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती सो so, नकुल इज बेसिकली द नेम ऑफ मोंगूज नेवला अच्छा सो so, नेवला इज ऑब्वियसली सांप का दुश्मन हाँ तो वो गॉडेस का नाम बताया गया नकुली बट बिकॉज शी क्रिएट हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ मॉन्गूज जो वो काउंटर काउंटर करने के लिए बट अगर आप देखिए इसमें बहुत सारा सिम्बोलिज्म भी होता है राइट right? तो पॉसिबली यू नो एंड इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ हर्ब आयुर्वेद में जो यूटिलाइज की जाती है स्नेक पॉइजनिंग के लिए सो इट कुड भी सिम्बोलिक राइट right, के मतलब वो जो सरपनी थी उसने कोई ऐसा पॉइजनस गैस रिलीज़ की बेसिकली राइट विच इज़ मेड ऑफ स्नेक वेन और समथिंग और उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए नकली के एम टू प्ले नकली जो जड़ी बूटी हो सकती है सो so, जैसा मैं कह रहा था स्टोरीज़ यू नो ये थोड़ी एम्बेलिश की जाती हैं उनको थोड़ा एग्जैचरेशन किया जाता है थोड़ा सा उसमें एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो मेमोरेबल बने वो याद रहे और वो लोगों को आसानी से वो पास ऑन कर सके स्टोरीज़ को बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें वो हमें आ, समझने होते हैं सो so, जो इनकी फाइट है इसमें अल्टीमेटली भंडासुर को देवी ही मारती हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी बट उसके पहले जो भंडासुर है वो लास्ट डिच एफर्ट उसका क्या है वो सारे जितने अभी तक राक्षस मरे थे हिस्टोरिकली वो उन सबको रिवाइव करता है अच्छा। उन सबको जिंदा कर रहा है वो और वो अपनी तरफ से उनको लड़ने के लिए भेज रहा है तो हिरण्याक्ष, हिरण्य महिषासुर चंड पास पावर है बना कैसे था? जब शिवजी और पार्वती जी का विवाह करवाने की कोशिश हो रही थी अगर आपको स्टोरी बैकग्राउंड पता है कि शिव जी की शादी पहले सती के साथ हुई थी राइट फिर वो तो सती हाँ तो वो जो दक्ष का यज्ञ होता है सती उसमें आत्महत्या कर लेती है बेसिकली सो so, uh, पार्वती जी जब पैदा हुई हैं शिव जी वैराग्य के मोड में हैं हां ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड अगेन वो बोलते भाई वांस इज इनफ अभी मेरे को दोबारा नहीं पड़ना इन सब uh, चक्करों में so, सो देवता चाहते हैं कि शिवजी और पार्वती की शादी हो क्यों किसी को पता क्यों आप ही बता दो सर क्योंकि एक और राक्षस था तारकासुर जिसने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिवजी के पुत्र के हाथों ही हो और सती की और सती ऑब्वियसली नहीं है तो इसीलिए उसने ये वरदान मांगा क्योंकि शिवजी तो अब यू नो ब्रह्मचारी हो गए तो उनका पुत्र कैसे होगा तो उसने स्मार्टनेस दिखा के वरदान मांगा था पर देवता चाहते थे कि शिवजी का पुत्र हो तो वो चाहते थे कि उनकी दोबारा शादी हो पार्वती से और पार्वती आ, से शादी कराने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि शिव जी के अंदर वो यू नो you know, लव की भावना दोबारा जगा सके तो वो मतलब वो बहुत पॉपुलर स्टोरी है जिसमें कामदेव अपना तीर छोड़ते हैं शिव जी के ऊपर शिव जी गुस्से में उसको देख के भस्म कर देते हैं अपनी तीसरी आंख उनकी खुलती है और कामदेव भस्म हो जाते हैं सो so, जो कामदेव की जो एशेज है जो पड़ी हुई है वहाँ पे उसको फॉर्म देके भंडासुर बनाया गया था सो वॉट डज इट मीन वॉट डज इट सिंपलाइज के काम इज डिजायर राइट काम इज डिज़ायर काम सूत्र जो है दैट इज अबाउट डिजायर द लव आर्ट ऑफ लव मेकिंग राइट सो काम जो है जो डिज़ायर है वो कभी ख़त्म नहीं होती राइट right? वो आपने कितनी भी उसको भस्म कर दिया है फिर भी उसमें से कुछ बन गया है नाउ इट इज टेकन अ नेगेटिव फॉर्म वो एक असुर बन गया है सो so, वो जो असुर है उसके अंदर क्योंकि डिज़ायर की प्रॉपर्टीज हैं राइट तो वो इच्छा करता है और वो चीज़ हो जाती है सो अगेन दैट इज़ ब्यूटिफुल सिंबलिज्म इन द स्टोरीज तो वो इन सब किस तरीके से जिंदा कर पा रहे थे वो जिंदा कर रहा हो उनको तो हिरण्यक्ष आता है हिरण्यक्षिपू आता है महिषासुर आता है एंड ऑल ऑफ देम आर किल्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग गॉड और गॉडेस जिन्होंने उनको ओरिजिनली मारा था सो so, जैसे अगर हिरण्यक्ष आता है लड़ाई लड़ने तो हिरण्यक्ष को वराह ने मारा था सो so अगेन देवी की सुप्रीमेसी दिखाते हुए उसमें बताया कि जो देवी के नाखून है उंगलियों के नाखून है उनमें से एक एक अवतार निकल रहा है विष्णु जी का उन राक्षसों को मारने के लिए और देवी सिर्फ वहां बैठ के देख रही हैं और उनके नील्स में से एक एक अवतार निकल के वो राक्षस को मार रहा है सो so, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भरा अवतार आते हैं बलि आता है तो वामन प्रकट होते हैं महिषासुर आते हैं तो दुर्गा माँ आती है उसको मारने के लिए दोबारा ये नरकासुर कंस दुर्योधन ये सारे आ, आते हाँ सो तो ये सब आते हैं तो उनको मारने के लिए फिर कृष्ण जी आते हैं और रावण कुंभकर्ण मेघनाद आते हैं तो फिर राम और लक्ष्मण प्रकट होते हैं सो so, बहुत ही अमेजिंग फाइट ये तो पूरा ही कंबाइन कर दिया एक तरीके से तो महाभारत से भी बड़ी फाइट है आई डोंट थिंक मैंने इससे बड़ी फाइट नहीं पढ़ी है कहीं पर भी स्क्रिप्ट सर जो लोग पढ़ना चाहते हैं कहाँ पढ़ सकते हैं इसको कौन से so, उसमें so, ये ललिता महात्मा कहते हैं इसको और ये ब्रह्मांड पुराण का पार्ट है सो so, ललिता उपाख्यान या ललिता महात्म्य ये hmm. आ, मिल जा मतलब इजीली अवेलेबल है ब्रह्मांड पुराण में नहीं तो अगर आप ललिता महात्म्य करके भी सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन जिसमें वॉरियर गॉडेज दे डिफीट दी ईविल डीम्स सो ये मातृकाओं की जो स्टोरी है इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर लेजेंड ऑफ वॉरियर गॉडेसिज तो इंडिया में यू नो अगेन आज की सोसाइटी अगर हम देखें तो हमें लगता है कि यार फीमेल्स का जो लेवल है मे बी इट इज़ नॉट द सेम एज मेल्स यू नो और दस ऑलवेज अ कंप्लेन्ट कि हमारी शॉविनिस्टिक सोसाइटी आप पेट्री आर्कल सोसाइटी है पर आप ट्रेडिशनल जब भी आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा हमेशा ऐसी स्टोरीज आपको मिलेंगी जिसमें एक्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly. मतलब जो सबसे ज्यादा पावरफुल असुर हैं उनको देवता नहीं मारते हैं उनको देवियाँ मार रही हैं और इनफैक्ट ये जो उनकी आपस में डिस्कशंस हो रही हैं लड़ाई के टाइम भी तो वो राक्षस टॉन्ट करते हैं कि अरे तुम्हारे देवता तुम्हारे पीछे छुपे हुए है। you know, लग लग हैं यू नो वो हमसे नहीं तो देवताओं की एनर्जी ही जैसे हीसकोर्स ये कॉन्सेप्ट इट इज नॉट अबाउट मेल और फीमेल द अंडरस्टैंडिंग जो वो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के बिना कोई नहीं पूरा है दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना ना ही देल या सुपीरियर ना फीमेल सा सुपीरियर सो so, इसीलिए कुछ स्टोरीज में देवता मेन रोल प्ले कर रहे हैं कुछ स्टोरीज में देवियां रोल प्ले कर रही हैं पर एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं शिव जी को भी तंत्रा में शिव जी को शव बोलते हैं अगर उनके अंदर शक्ति नहीं है तो विच इज़ ट्रू राइट शव मीन्स अ डेड बॉडी तो शिव से शव वॉट इज मेकिंग हिम अलाइव द शक्ति विद इन द एनर्जी विद इन विच इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस राइट सो दट इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज अ ब्यूटी एंड यू नो स्ट्रेंज थिंग हमारे हम सब मेल्स यहाँ बैठ के फीमेल पावर की बात कर रहे हैं बट या दैट इज बट उनके बिना क्रिएशन ही अधूरी है सर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है एंड सर मजा आ गया आपसे बात करके इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एपिसोड पूरे एपिसोड में आपने स्माइल के साथ बहुत अच्छी नरेशन <laughs> के साथ बहुत इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें जो हमें लगती थी ना मतलब एज यंगस्टर्स हम इंटरेस्ट नहीं ले पाते थे क्योंकि आधी चीजें तो सर के ऊपर से जाती थी कि क्या है संस्कृत लैंग्वेज एक तो डिफिकल्ट है प्लस जो आ, हम लोग कथाएं सुनते हैं जो हमारे कथावाचक होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, में और ऐसा लगता है ये सब चीजें तो बड़े लोगों के लिए ही बनी है जो वहां जाके ही सुनी जाएगी बट बहुत अच्छा लगा कि हमें एक ऐसा एपिसोड करवाए जो हमारी यंग ऑडियंस और जो बड़े लोग भी हैं वो भी सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आज उन्हें नहीं जानने को आई होप सो एंड एक्चुअली पर्पज़ यही है शुभ में ये सब करने का ये सब डिस्कशंस का और जैसे आपने पहले भी बोला कि मैंने बुक्स भी लिखी थी सो द बुक्स आर ऑल्सो मैंट फॉर द अर्बन ऑडियंस क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल आप देखेंगे ना आप अगर आ, हमारे दादा पर दादा अफकोर्स उनको कहानियाँ पता थी हमारे पेरेंट्स तक की जनरेसन को भी कुछ कुछ कहानियाँ पता हैं पर हमारी जनरेसन तक आते आते ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज डिसअपियरिंग सो अगर हमें इस नॉलेज को प्रिजर्व करके रखना है हमें इस ये आप देखिए ब्यूटिफुल है जो स्टोरीज़ हैं नरेशन जो है इसका डीप सिग्निफिकेंस है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको पर ये इतनी वैल्यूएबल uh, नॉलेज है जो आज की सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर हम इसको समझ लें तो सो so, ये सारी नॉलेज पहुँचाने के लिए पॉडकास्ट जैसे आप कर रहे हो और एफर्ट्स जैसे हम कर रहे हैं लिखने के या पढ़ने के रिसर्च करने के आई थिंक वी ऑल हैव टू जॉइन हैंड्स एंड आई होप आपकी ऑडियंस को पसंद आए बिल्कुल सर एंड दे आर इंस्पायर्ड टू रीड बिल्कुल एंड मैं जनता को बताना चाहूंगा सर की लिखी हुई बुक्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं पढ़ सकते हैं खरीद सकते हैं मंगा सकते हैं सर का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे बार बार फ्लैश हो रहा था आप जाकर इनको फॉलो कर सकते हैं ताकि इनका जो भी नया काम है नई रिसर्च है आपके सामने आए आप अपडेटेड रहें और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे शेयर जरूर करें और अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो भाई कमेंट कर देना हम सर के साथ दोबारा हम सर को हम डेली बुलाएंगे अपने वहाँ <laughs> या हो सकता है सर हमें दोबारा बॉम्बे बुला ले तो हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट या तिल दें बाय बाय टेक बाय बाय जय माता